अनुदेशकों की मांगे 20 दिसंबर से पहले हो सकती है पूरी, उत्तर प्रदेश सचिवालय से ये जानकारी प्राप्त की है प्रदेश अध्यक्ष राकेश पटेल जी ने। क्या है समाचार, शुरू करते हैं आज का ये पूरा बुलेटिन। नमस्कार साथियों, देश प्रदेश के समस्त गुरुजनों को मेरा सादर प्रणाम। प्रस्तुत है आज का वैश्विक शिक्षा उत्तर प्रदेश समाचार। साथियों नमस्कार, यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि राकेश पटेल जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ के हैं, उन्होंने जनसंपर्क किया है सचिवालय में जाकर, स्वयं जाकर, और ये आप फिर देख रहे हो वायरल किया है सोशल मीडिया पर, और बड़ी खबर लेकर आए हैं वो। साथियों क्या है पूरा समाचार, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज का विस्तारपूर्वक समाचार शुरू करते हैं आज का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रदेश सचिवालय जनसंपर्क किया है इन्होंने दैनिक प्रवेश पत्र, और श्री राकेश महाराजगंज से हैं ये, और इन्होंने ये पोस्ट किए सोशल मीडिया के माध्यम से, कहा है, बताया है कि प्रिय अनुदेशक साथियों नमस्कार। साथियों कल मैं और मेरे साथ राजेश चौधरी जी अमेठी विधानसभा सचिवालय में वित्त विभाग बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के वहाँ रहे। सारी जगह पैरवी से ये स्पष्ट हुआ है कि वर्तमान में वित्त विभाग में अपने मानदेय संबंधित बजट की फाइल है, लेकिन अभी नियमितीकरण की कोई भी फाइल शासन में नहीं है। हाँ, लेकिन शासन में भी चर्चा है कि शिक्षा विभाग के संविदा कर्मियों को नियमित किए जाने के संबंध में बातें हो रही हैं और समाचार निकल कर आ रहे हैं, और बातचीत करने पर उनको ये बात स्पष्ट हुई है, उनको सुनने में आया है कि संविदा कर्मियों को सरकार नियमित करने के लिए विचार कर रही है, लेकिन मानदेय के लिए आपकी और फाइल चल रही है, अनुदेशकों की फाइल मानदेय बढ़ोतरी वाली, और इसके साथ ही, और ये बड़ी खबर है अनुदेशकों के लिए या संविदा कर्मियों के लिए कह सकते हैं, समस्त संविदा कर्मियों को प्रदेश के की नियमितीकरण के लिए चर्चा हो रही है, लेकिन अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, बस सरकार से कुछ खबरें आ रही हैं ऐसी, उनके जो मेन लीडर्स हैं उनके माध्यम से, गुप्त तरीके से कह सकते हैं, स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि ये महाराज जी ही इसको स्पष्ट करेंगे। आगे उन्होंने लिखा है कि नियमितीकरण करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बोला है, अगर धरातल स्तर से प्रयास हुआ और दबाव बना रहा तो आचार संहिता पहले से नियमितीकरण का शासन आदेश। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये नहीं तो ये चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। साथ ही लगातार मेरे पास वास्तविकता जानने के लिए फ़ोन कर रहे हैं आप सबके सामने, बिना मिर्च मसाला के वास्तविकता बता दी गई है, ये कहना है हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक के मुखिया कह सकते हैं भाई माननीय श्री राकेश पटेल जी का, और उन्होंने ये सोशल मीडिया पर स्वयं पोस्ट को वायरल किया है, हम सभी अनुदेशक भाई बहनों के लिए बताया है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी गुप्त सूचना नहीं है, स्वयं उन्होंने इसका पोस्ट किए, अपना जो पिक है, सेल्फी है, सचिवालय वाली सेल्फी, वो भी साथ में पोस्ट किए, ताकि कोई भ्रामक तरह से इनके इस समाचार को ना बता सके। और एक और समाचार यहाँ पर बड़ा समाचार आ रहा है शिक्षा मित्र भाई बहनों से लेकर है, समायोजन के लेकर, शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सचिव बेसिक शिक्षा का 2 टूक जवाब, अनुदेशक न्यूज़ के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने 2 टूक जवाब दिया है शिक्षा मित्रों के समायोजन से। अभी कुछ रुकावट खेद है इसके लिए, मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा समाचार पढ़ के क्या है। शिक्षा मित्र भाई बहनों के लिए यूपी के शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन संभव नहीं, सचिव बेसिक शिक्षा अधिकारी जी ने ये बात कही है, कुछ अड़चन आ रही है, इसलिए पूरा समाचार मैं पढ़ के बता रहा हूँ। 12 नंबर प्राइमरी का मास्टर डिस्ट्रिक्ट से सौजन्य से ये समाचार लिया गया है हमारे चैनल में। युवा बेरोजगार मंच के संस्थापक ने बताया है कि 1,37,000 शिक्षा मित्रों को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़े विस्तृत सूचना। ये लखनऊ से समाचार, युवा बेरोजगार मंच के संस्थापक ने कहा, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जब 2017 में बनी थी उस समय कुल प्राथमिक विद्यालय की संख्या, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दी गई है, थी, एवं उस समय प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त शिक्षक, और ये आप कह सकते हैं कि ये शिक्षक थे 2017 में, उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के स्वीकृत पद 5.6
65 लाख थे। उत्तर प्रदेश प्रयाग राज्य बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह ने परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए उनके समाजन का संबंधित निवेदन को अस्वीकार करते हुए असमर्थता जताई है। सचिव बेसिक शिक्षा ने शिक्षा मित्रों को सूचित करते हुए कहा कि चूंकि पूर्व में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समाजन निरस्त कर दिया गया है, अतः इस प्रकरण पर कार्रवाई भी किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने अपनी मजबूरी सरकार की मजबूरी को बताया है कि क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार नहीं समाप्त कर सकती है, उनका पालन करना पड़ेगा। और ऐसा उन्होंने बताया कि हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके समायोजन को रद्द किया था, उसी आदेश का पालन हम कर रहे हैं, इसलिए हम आपको समायोजित नहीं कर सकते हैं। सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा जब जवाब प्राथमिक विभाग बादशाहपुर बुलंदशहर के परिषदीय विद्यालय कार्य शिक्षा में ज्योति राघव द्वारा प्रदेश के मुख्य सीएम योगी आदित्यनाथ जी को IGRS पर भेजे गई शिकायत संदर्भ में कहा, आपको बता दें कि इससे पहले ज्योति राघव ने उत्तराखंड में कार्य शिक्षा मंत्री तर्ज पर यूपी में कार्य शिक्षा मित्रों को लाभ देने के लिए शिकायत करते हुए मांग की थी कि उत्तराखंड सरकार की भांति शिक्षा में नियमावली संशोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के लगभग 40,000 प्रशिक्षित TET उत्तीर्ण शिक्षा मित्रों को उनके कार्य अनुभव तथा योग्यता के आधार पर सहायक अध्यापक के पद पर नियमित किया जाए। ये साथियों एक समाचार है, इसमें कुछ संभवता है, संभव हो सकता है कि जो TET पास शिक्षा मित्र हैं उनको किया जाए, समायोजित किया जाए। सचिव ने ये जवाब दिया कि जिसके जवाब में सचिव ने कहा कि आप द्वारा उत्तराखंड की भांति नियमावली संशोधित करते हुए यूपी के 40,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त संबंध में सूच है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर किया गया समय निरस्त कर दिया गया है, अतः प्रकरण कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। उन्होंने ये सूचना स्पष्ट कर दी है, यानी कह सकते हैं शिक्षा मित्रों के लिए साथियों। तो ये पूरा क्लियर कर दिया गया है कि हम सरकार ने कहा कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हुए उनके फैसले का सम्मान करते हुए ऐसा नहीं कर सकते हैं। आगे क्या बीच का रास्ता निकलेगा हम आपके अपने चैनल्स के माध्यम से आपको बताते रहेंगे। अंदेशक न्यूज़ पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अन्वेषकों से जुड़ी हुई हर खबर को हम आपको सबसे पहले सत्यता की कसौटी पर जो खड़ी होती थी वो देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, वी सेफ।